मैंने 3 से 60 किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी इनकम आई है, तब आपके पास पेमेंट आती है। Hey guys, welcome और welcome back to my YouTube channel तनुष्का शर्मा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा खुश हूँ YouTube को लेकर के। आज का वीडियो काफी लंबा होने वाला है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। कभी नहीं सोचा था इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिलेगी, बट ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ यूट्यूब की वजह से, और यूट्यूब पे मैं आप लोगों से मिली उसकी वजह से। सो सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, बहुत शिवर कर रही हूँ मैं, एकदम बहुत खुश लग रही हूँ। मुझे लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया है, फर्स्ट इनकम आ गई है यूट्यूब और 200K सब्सक्राइबर्स भी कम्प्लीट हो चुके हैं। जय माता दी। चलो पहले अब इसकी ओपनिंग करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक महीने में कितने पैसे आ रहे हैं और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, कितना मेरे पास सेटअप के लिए सब कुछ है और कहाँ से मैंने शुरुआत की थी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी ना मैं एक वीडियो दिखाऊंगी आपको कि जब ये मेरे पास डिलीवर हुआ था ना, मैं तब से रोक के बैठी हूँ खुद को कि नहीं अभी नहीं खोलूंगी जब तक मेरे पास फर्स्ट इनकम नहीं आएगी यूट्यूब। हाँ इसका वीडियो लेनी थी, ठीक है लास्ट टाइम कर देती हूँ मैं। बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू। बड़ी मेहनत की है आपने जी। फोन नंबर भी डाल देना इनका, नीचे नीचे डालो। हाँ इधर सामने वाली गली में है क्या आप? हाँ जी। मैं लिटरली सो रही थी और सोते सोते उठ करके आई मैं फटाफट से कि चलो सिल्वर प्रिंट बटन आ गया इसको लेके आती हूँ। मतलब हर यूट्यूब का तरह सपना होता है सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन। मैं तो सोचती थी यार पता नहीं मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इंस्टाग्राम पे तो खुद ही बोनस नहीं आता और यूट्यूब पे पता नहीं मिलेगा कुछ कि नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट वालों को ना जो हम ऐसे क्रिएटर्स होते हैं लिपसिंग वीडियोस जो बनाते हैं मोस्टली उनका क्या होता है ना इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ गिफ्ट्स का तो बोनस मिलता है, बट मुझे वो भी नहीं मिल रहा था, मेरा वो भी नॉट एलिजिबल आ रहा था और बाकी बस जितना मैं कमाती हूँ इंस्टा से वो प्रमोशंस का है। ये ब्लैक कलर की शीट आई है इतनी प्यारी थी। खैर इसके ना बैक में ऐसे वेलवेट का फैब्रिक है और ये यहाँ पे वेलवेट ही लग रहा है मुझे पता नहीं, और ऐसे हैंग करने के लिए भी दिया हुआ है और इसमें ना अपनी शक्ल देख सकते हो प्रॉपर। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे पास रेडमी नोट 4 या रेडमी 4 का फ़ोन आता था 11th क्लास में, तब तो मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था। उसके बाद तो मैंने इंस्टा स्टार्ट की, इंस्टा मैंने रियलमी 3 Pro के फ़ोन से स्टार्ट किया था। तब मैं अपनी 12th क्लास पास आउट कर चुकी थी, अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो तुम लगा सकते हो कि मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर चल रहा है, तो 5 साल हो चुके हैं मुझे इंस्टाग्राम फिर उसके बाद यूट्यूब कर रहे हैं। यूट्यूब मैंने अभी लास्ट 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, सिर्फ अपनी इंस्टाग्राम की वीडियोस को यहाँ पे पोस्ट करने का सोचा था, बट मुझे लगा कि नहीं ये नहीं चलेगा। फिर मैंने अपनी एक्टिंग वीडियोस छोड़ करके गेट रेडी विद मी वगैरह की वीडियो शूट करनी स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे, बट मुझे वो भी ऐसा लग रहा था कि यार टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक्टिंग वीडियोस, यहाँ पे गेट रेडी विद मी की वीडियोस बहुत हेक्टिक हो रहा था, नहीं संभाल पा रही थी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि उस टाइम मेरी मास्टर्स का फर्स्ट ईयर चल रहा था, मैं मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं ये नहीं करते, कुछ टाइम के लिए सब कुछ ब्रेक दे दिया यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम पे ही थी। फिर मैं दोबारा से यूट्यूब पे आई उसी ईयर में उसी चैनल पे, तो मैंने कहा चलो दोबारा से पोस्ट करते हैं, कुछ भी पोस्ट करूंगी बट पोस्ट करूंगी। मैंने रील्स उठा करके अपनी पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी, दिन में डेली की 3 रील्स मैंने ना एक गांठ बांध ली थी एकदम दिमाग में कि ये तो मुझे पोस्ट करनी ही है भाई चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं डेली पोस्ट करती थी, मैं देखती थी कि मुझे एक रील कम से कम बता रही हूँ मैं 10 सब्सक्राइबर्स एक रील दे रही है। फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट हो गई, 10 की जगह उसने 50-100 देने स्टार्ट कर दिए, और जब आपके एक बार 10K हो जाएंगे ना, 10K होने के बाद आपके 100K काफ़ी जल्दी होते हैं, स्पीड में हुए थे मेरे, मुझे तो ऐसा लगता है। और 100K के बाद 200K तो पता ही नहीं चला कब हो गए, मतलब मैं सोचती थी कि 200K होंगे तो लाइव आऊँगी एग्जाम से पहले, और मेरे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, लास्ट एग्जाम मेरा 27 को है और स्टिल
तभी भी मतलब अभी 1200 के कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो अब आप लोग मेरा सेटअप देख लो, तो मेरे पास ये कलरफुल बैकग्राउंड चेंजिंग लाइट है और साथ में ये रिंग लाइट है, बस इन दो लाइट से मेरा काम चल जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि कितनी इनकम आई है। ये टोटल इनकम जो है ना वो मेरी 3 महीने की है, जब से मुझे जो मतलब पेमेंट है ना वो जनरेट होनी स्टार्ट हुई, डॉलर्स जनरेट होने स्टार्ट हुए थे मुझे मार्च में। मार्च के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, मार्च में कुछ नहीं मिला, अप्रैल में कुछ नहीं मिला, मई में एंड में जा करके मुझे पेमेंट मिली है। बेसिकली ये पूरी 3 महीने की इनकम है, $291 आई है इसमें से कट कटा करके। तो अब तुम देख लो कि 3 महीने में इतनी आई है, उससे पहले जो 1 साल तक मेहनत करी है वो अलग है, उसका कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, तो जो कहते हैं ना लोग कि YouTube से बहुत पैसे आते हैं, ये होता है वो होता है, हाँ मैं मानती हूँ आते होंगे, बट जो स्टार्टिंग में आते हैं ना, स्ट्रगल करना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने इंस्टा करने के बाद मैं YouTube पे आई थी। मैं ये नहीं बोलती कि ठीक है तुम इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, क्योंकि मुझे इंस्टा पे भी सच में बताऊँ तो सिर्फ प्रमोशन से जो कुछ मिलता है प्रमोशन से मिलता है। रील्स करती हूँ, रील्स के सॉन्ग प्रमोशन के पैसे आएंगे जो भी आएंगे, और बाकी आपको ट्रेडिंग वगैरह का और बैटिंग का प्रमोशन करोगे तो उसके पैसे, और बाकी इंस्टा का तो इतना ही गिफ्ट से मिलती थी, बट गिफ्ट मेरे अनएलिजिबल बता दिया था मुझे गिफ्ट के लिए इंस्टाग्राम पे, तो मुझे वो भी नहीं मिलती। मुझे इंस्टा से कुछ नहीं आता सिवाय प्रमोशंस के। तो मुझे था कि एक पर्टिकुलर इनकम होनी चाहिए यार। पता है इंस्टाग्राम का ना पैसे आते हैं किसी महीने, तो आपके पास एक महीने में एक दिन के अंदर अंदर इतना होगा कि 20,000 मिल रहे हैं, ठीक है, बट वहाँ आप नहीं जानते कि अगले 3 महीने 4 महीने आपके पास 1 रुपया भी आएगा, मतलब कुछ नहीं आता कभी कभी तो 3-3, 4-4 महीने तक, और कभी ऐसा होता है कि एक दिन में आपके पास 20-25-30 हज़ार तक आ जाते हैं। तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है कि आपको पता नहीं कि इस महीने तो आपके पास चांदी चांदी सोना सोना, आप जो खाना चाहते हो वो खा लो, और अगले महीने आप देख रहे हो कि भीख मांगने के भी पैसे नहीं है, मतलब कटोरा कहाँ से लेके आओगे, वो हालत हो जाती है। तो उससे नहीं चलता। मुझे था कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स चाहिए, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई थी, और मुझे नहीं पता था कि कब तक मिलेगी, कब तक कुछ हो पाएगा, और स्टिल जब तक सिल्वर बिल बटन नहीं आया था तब तक भी मैं बहुत डर रही थी कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी इनकम वैसे ही ऑलरेडी 3 महीने से मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा एड्रेस का जो पिन कोड है वो भी मैं वीडियो आपको दिखेगी कि साइड में, कि मैं पिन कोड के लिए बिना इतना ज़्यादा हो गई थी कि वो शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, और वैसे भी देखो आपको साइड में दिख रही होगी। सीरियसली जब तक मेरा पिन कोड नहीं आया था ना, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं यार यूट्यूब पे भी कुछ नहीं मिल पाएगा क्या, मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। 2 बार मेरा पिन कोड रिजेक्ट हो गया, 3री बार का लास्ट चांस मिलता है उसमें जा करके मेरा पिन कोड मुझे मिल पाया, और क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है कि कहाँ पे मैं एड्रेस पे अपने मंगवा सकती हूँ, कभी नानी के घर मंगवा रही हूँ, कभी गाँव वाले घर मंगवा रही हूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे, और वहाँ पे गांव वाले घर आ भी जाए तो वहाँ से कोई रिसीव करने वाला नहीं है। फिर फाइनली मैंने अपने पीजी पे ही मंगवाया, और यहाँ पे भी इतने चक्कर काटने के बाद पोस्ट ऑफिस में उन्होंने बोल दिया कि हम देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब ना नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिख के भेजता आपको, जब भी सिल्वर प्ले बटन या फिर कुछ भी आपका आता है या पिन कोड वगैरह आएगा वो सिर्फ आपके एड्रेस तक ही पहुँच सकता है। तो कभी भी आप भी अगर अपना गूगल एडसेंस पे एड्रेस डाल रहे हो तो ऐसी जगह डालना जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो सीधे पोस्ट ऑफिस में जाकर के, उनको बोल सकते हो बार बार कि भाई मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, और ये मेरा एड्रेस है, पर्टिकुलर एड्रेस है, आप यहाँ पे आकर के कोई भी यूट्यूब से आपके पास एक वो आता है पिन आता है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे दे दीजिएगा, या ये मेरा नंबर है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपको बोलना पड़ेगा। मैंने कम से कम बता रही हूँ मैं 10-12 चक्कर काटे होंगे जब तक मेरा गूगल एक्सेंस पिन कोड नहीं आया था कि यार प्लीज़ बस वो मिल जाए, बस वो मिल जाए। जब वो आया था उसके बाद फिर गूगल एक्सेंस पिन कोड के बाद आपको आता है फिल करने को कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो अकाउंट नंबर वगैरह की डिटेल्स फिल करी थी। उसके बाद क्या हुआ था, गड़बड़ी हुई थी मेरे साथ कि आपका ना यूट्यूब पे यूट्यूब स्टूडियो का जो इनकम होता है वो नहीं मिलता है, आपको मिलता है यूट्यूब स्टूडियो से जो गूगल एक्सेंस में आपका पेमेंट आएगा वो। तो जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें पेमेंट अलग दिखाता है, गूगल एक्सेंस में अलग दिखाता है। $100 आपका यूट्यूब स्टूडियो में नहीं, $100 आपका गूगल एक्सेंस होना चाहिए। इतना बुद्धि नहीं थी, कुछ नहीं पता था कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि हो गया है $100 तो यूट्यूब स्टूडियो में यार आया क्यों नहीं। तो फिर मुझे डेट्स पता चली कि 10 तारीख तक गूगल एक्सेंस के अंदर पेमेंट जाता है, किसी भी महीने की 10 तारीख तक आपका गूगल एक्सेंस के अंदर पेमेंट जाता है यूट्यूब स्टूडियो से उठ करके, और फिर उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो से गूगल एक्सेंस में आ गया, फिर आपको 21 तारीख से लेकर के किसी भी महीने की 26-27 तारीख तक वेट करना पड़ता है, तब आपके पास पेमेंट आती है। तो मेरे पास 21 को मई में जा करके मेल आई कि आपका पेमेंट वहां से गूगल एक्सेंस से जनरेट हो चुका है, $300 something है तो वो आ जाएंगे। अब 21 को जब मेल आती है कि आपकी इनकम गूगल एक्सेंस से निकल चुकी है, मैंने भाई पूरी मेल भी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ ऊपर का देखा, वो मेल का भी स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख जाएगा,
बस ऊपर का देखा कि जनरेट हो चुके 21st को चली गई है, मुझे लगा भाई मैंने क्या करा, मैंने कोई और अकाउंट डाल दिया दिखता है, मतलब मेरे पास सिल्वर में बटन आ चुका है, बट स्टिल मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं मुझे पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यूट्यूब से मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कुछ होगा कि नहीं होगा मेरा। तो मैंने जैसे देखा कि पेमेंट मेरे तक नहीं आई है 21st को, तो मैंने तुरंत अपना चेक करना स्टार्ट कर दिया गूगल एडसेंस को कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, कहीं मैंने अकाउंट नंबर तो गलत नहीं डाल दिया, ये तो नहीं कर दिया, वो नहीं कर, बहुत परेशान हो गई थी 21st 22nd तक मैं बहुत परेशान रहा, टोटल देखा खंगालना स्टार्ट करा कि पता नहीं। फिर मैंने फाइनली सोचा कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, भगवान जी थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, क्या पता बीच में रुक रही हो या क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना दोबारा से बार बार मैंने मेल चेक करना, हो जाता है ना कि आपके पास जो चीज़ है अब जो पॉइंट मेरे पास होंगे मैं वही देखूंगी, तो मेरे पास पॉइंट में सिर्फ एक था कि वो मेल जो मेरे पास आई थी कि 21st को आपकी जो पेमेंट है वो जनरेट हो चुकी है, वहां से निकल गई है। तो मैंने दोबारा से चेक किया, उसे पूरा देखा, मैंने कहा कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो जब चेक करती हूँ तो मुझे पता चला अच्छा 5 दिन तक आपको वेट करना है, दिन आपके पास मेल आई है वो उससे अगले 5 दिन तक। तो आपको क्या करना है कि अपने बैंक में बात करनी है अगर आपने सही अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल्स सही से फिल करी थी, बट अगर ऐसा नहीं होता कि पेमेंट आ जाती है अगले 5 दिनों में तो फिर क्या ही जरूरत आपको किसी से बात करने की। तो मेरे साथ वही हुआ कि 21st को मैंने वेट किया, मतलब 21st 22nd मेरा निकल गया था, 24th को मेरी पेमेंट फाइनली आ गई, 23 काटना थोड़ा ओखा पड़ गया था यार, ये लग रहा था पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा, बट मैंने सोचा चलो ठीक है सब्र करते हैं हो जाएगा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, और वो हुआ फाइनली। तो दैट्स इट गाइस, बस मैं बताना था। और हाँ एक चीज और कि अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है तो करो, मैं अपनी बहन को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि कर, बट यूट्यूब से इनकम आपकी कितने टाइम में आएगी कोई नहीं जानता, तो जो काम आप कर रहे हो पढ़ाई में वो करते रहो, उसके साइड बाय साइड आप अपना यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो और रेगुलर रहना तभी आपको यूट्यूब से इनकम मिलेगी। अगर आप सोचो कि हाँ आज पोस्ट कर दी महीने में एक वीडियो, उसके बाद दूसरे महीने स्टार्ट करोगे दोबारा से, फिर दूसरे महीने के बाद तीसरे महीने फिर दोबारा से एक वीडियो पोस्ट कर दोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। डेली की एक वीडियो तो आपको कंपलसरी डालनी ही डालनी है, और अगर आप सोच रहे हो कि एक से बढ़ करके डालो, मैंने 3 से स्टार्ट किया था, मैं 3 वीडियो डेली डाल रही थी, तो शॉर्ट्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में ना शॉर्ट्स इस टाइम पे इतना सही सिस्टम स्टार्ट किया ना यूट्यूब वालों ने कि बहुत जल्दी चैनल को ग्रोथ मिलती है। मैं तो खुद ब्लॉग्स वगैरह भी बहुत रेयर डाल पा रही हूँ, और अभी ये वाली वीडियो के बाद मुझे भी नहीं पता कि मैं दूसरी लॉन्ग वीडियो कब लेके आऊंगी। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि शॉर्ट्स से अपना चैनल की ग्रोथ बढ़ा सकते हो आप लोग, स्टार्ट कर लो, बट पढ़ाई मत छोड़ना। और बस इतना ही बोलूंगी, 3 महीने की 25,000 रुपये आ रहे हैं मेरे, तो बल्कि 24,000 आए हैं टैक्स वगैरह कट करके। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी कि प्लीज़ एक बैकअप सोर्स जरूर लेके चलना, क्योंकि आज के टाइम में किसी सिटी में अगर आप शिफ्ट करते हो तो 10,000 तो आपका रूम का रेंट हो जाता है यार, और उसके ऊपर कितना खर्चा है हम इमेजिन भी नहीं कर पाते, क्योंकि घर से बाहर निकलते तो पानी भी पैसा होता है यार, जैसे घर वाले बोलते थे कि घर से बाहर जाओगे तो पता चलेगा, तो वही चीज़ है कि घर से बाहर जाने पर तो पानी भी आपको पैसों का मिलता है, 20 रुपये की पानी की बॉटल आती है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और जय माता दी, जो कुछ हुआ है माता रानी की वजह से हुआ है और आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है, तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और थैंक यू सो मच, लव यू।